उज्जैन संभाग में आने वाले तमाम शहरों में गोरक्षक गोपालक स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक उज्जैन संभाग में आने वाले तमाम शहरों की सड़कों पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी भी भाग ले रहे हैं। इन गोरक्षक संगठनों में तमाम कार्यकारिणी मेंबर पदाधिकारियों का मानना है कि संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को जाने और यंग जनरेशन संपूर्ण भारत राष्ट्र हित को समर्पित होकर काम करे ताकि संपूर्ण भारत में सनातन संस्कृति धर्म ज्ञान और समझा जा सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो अभी वर्तमान स्थिति में तो पूरे भारत में भगवा यात्रा एवं राष्ट्रीय गौ रक्षा विभाग के द्वारा गाय माता को राष्ट्र माता को का दर्जा दिलाने के लिए हमारा संगठन क्रांतिकारी रूप से इस भारत के अंदर भगवा यात्रा निकाल रहा है। अभी पुनेल क्षेत्र में भगवा यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय गौ रक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया था। उसमें मुख्य रूप से 3 से 4 एजेंडे थे हमारे कि गाय राष्ट्र माता घोषित हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, लव जहाद जैसे कुकर्म संगठन चला रहे हैं ऐसे कुकर्मियों पे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध हो, कठोर कार्रवाई हो और ऐसे संगठन पे बैन लगे। तीसरा जनसंख्या नियंत्रण हो और समान कानून लागू हो, ऐसे इन चीज़ों को लेकर हमारा संगठन पूरे भारत में आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है एवं भगवा यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी दे रहा है कि हमें भारत को बचाना है तो कुछ कुसंगठित कार्य इस भारत में चल रहे हैं उस पर हमें अंकुश लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे गोरक्षक तमाम जगहों पे गायों की रक्षा करना, गौशालाओं की देखरेख करना, गायों के को बचाने के मुहिम कठोर तरीके से हर जगह चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।